तस्वीरें राजधानी दिल्ली के वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट की हैं, जहां पार्किंग के बड़े दामों के खिलाफ व्यापारी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी पार्किंग माफिया कुछ बाउंसरों के साथ यहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। पार्किंग का ओवर रेट कर दिया ओवर रेट हम लोग तो उसे बात करने के लिए गए कि माल निकल आता है तो बढ़िया है हमारे लिए। मार्केट वाले ओनर से हम लोग इतनी पार्किंग नहीं दे सकते, बट वो लोग पहले से तैयार बैठे थे, उन लोगों ने हथियार वगैरह सब रखा हुआ था, डंडे ये रॉड वगैरह सब बाउंसर से बुला रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि पार्किंग माफिया इनसे पार्किंग के मनमाने रेट वसूल रहे हैं और ना देने पर इनको धमकाते हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस प्रशासन भी इनकी शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि मारपीट के मामले के बाद अब पुलिस ने मामले में दखल दिया। अगर पैसे बढ़े हैं या जगह बढ़ी है तो इसकी कोई नोटिफिकेशन होगी, कोई कागज होगी, तो एसोसिएशन तो कागज मांगेगी या जनता को भी मांगने का अधिकार है। अगर एक रुपया भी सरकार लेती है या एमसीडी लेती है, डीएसएडीसी लेती है, कोई भी विभाग लेता है, उसको बताना तो पड़ेगा कि किस लिए ले रहे हैं, कितना ले रही है, लेकिन वो नहीं हुआ। और हाथापाई हुई है, बदतमीजी हुई, इसके लिए हम आए हैं। फिलहाल अभी ठेकेदार यहाँ पर नहीं है और उनको बुलाया जाए तो पुलिस के भी संज्ञान में इस बात को लेकर आया गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी करी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पार्किंग वालों और व्यापारियों को थाने बुलाया है ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कैसे इस विवाद को सुलझाती है। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट। आए 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 आए।